आप लोग मेरे को भूल तो नहीं गए ना, भूले था नहीं तुम्हें मैनू सारे। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, लाइक आई एम बैक। यस, बहुत दिन हो चुके हैं मुझे वीडियो बनाए हुए, किसी भी वीडियो को बनाए हुए, सच में लाइक इट्स मोर देन 2 weeks एंड आई जस्ट मिस्ड यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। लेट स्टार्ट द वीडियो। लनेज का लिप स्लिपिंग मास्क से हम स्टार्ट करेंगे। हमेशा सबसे पहले लिप्स को आपने प्रेप करना है ताकि आपके लिप्स जो हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड दिखें। उसके बाद हम अपनी स्किन को प्रेप करेंगे। फेस वॉश ऑलरेडी मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है स्कोलीन एंड फाइटोरेटिनॉल ग्लो फेस ऑयल फ्रॉम पिलग्रिम। ये आजकल मुझे बहुत पसंद आ रहा है, यू नो, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा यू नो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स विंटर्स, तो मुझे ये काफ़ी 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 अच्छा लग रहा है। एक तो इसका नॉन स्टिकी फील है, बिल्कुल भी ऑयल जैसा तो फील होता ही नहीं है ये। एंड मैं ना समटाइम्स मॉइस्चराइजर को स्किप करके बिफोर मेकअप इसको अप्लाई करती हूँ। यू कैन सी द ग्लो एंड इट्स वेरी नॉन स्टिक एंड वेरी लाइट वेट। उसके बाद मैं आपको 3 primers के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। आई नो आप लोग जानते हो इन primers के बारे में, बट लेट मी एक्सप्लेन डिफरेंट थिंग्स अबाउट दीज primers। स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस जो है, रियल मेकअप बेस, यस, ये एक मेकअप बेस है जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड अलॉन्ग विद दैट ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा यू नो ड्यूइनेस प्रोवाइड करता है। यू कैन सी माई स्किन इज़ लाइक ग्लोइंग लाइक अ गॉडेस, जो हमें एक यू नो फेस्टिविटीज़ में हमें यू नो ओकेजनली जो ग्लो चाहिए वो आपको ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये रेवोल्यूशन का कम्बुचा स्किन शॉट पीच यू नो प्राइमर है, पीच एंड कम्बुचा, यस। ये प्राइमर ना सिलिकन बेस है, नॉट वेरी सिलिकन, इट्स लाइक अ जेल सॉर्ट ऑफ प्राइमर। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, आई जस्ट लव एंड इट्स वेरी यमी। एंड ये आपके स्किन को अगेन हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। देखो, हाइड्रेशन आप जितना आपकी स्किन को प्रोवाइड करोगे उतनी ही आपकी स्किन हेल्दी दिखेगी। आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि आपकी स्किन की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जब आप मेकअप करते हो। और मैंने अच्छा पहले प्राइमर मेकअप बेस लगाया हमारी स्किन को एक ड्यूइनेस देने के लिए, उसके बाद हमने स्किन शॉट लगाया हाइड्रेशन के लिए। अब हम अप्लाई करेंगे कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर, विच इज़ अ सिलिकॉन बेस प्राइमर टू फिल योर पोर्स। अगर आपकी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हैं या आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का टेक्स्चर है उसको स्मूद एंड इवन आउट करने के लिए आपको एक सिलिकॉन बेस प्राइमर चाहिए, स्पेशली जिसको आप यू नो स्पेसिफिकली अप्लाई करोगे अपने टी जोन के अराउंड, जहाँ पे ऑयल आता है, जहाँ पे बड़े बड़े पोर्स होते हैं। अच्छा, अब स्किन के ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर लिया है, मॉइस्चराइज कर लिया है, अब हम अपनी कैंसिल आउट करेंगे। जितनी भी डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है हमारी स्किन के ऊपर, हम उसको कैसे कैंसिल आउट करेंगे, एक ऑरेंज कंसीलर लेके या ऑरेंज करेक्टर लेके। ये इनसाइड की बहुत सस्ती व्हील आपको मिल जाती है, कलर पैलेट बहुत सस्ती मिल जाती है। उसके साथ मैं यूज़ करूँगी पैक का 219 कंसीलर ब्रश, दिस इज़ माई फेवरेट ब्रश। इसके साथ मैं पहले डॉट डॉट करके बेसिकली इसको अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छा, जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन है ना, चाहे वो आपकी नेक है, बिकॉज नेक भी हमारे फेस के साथ ही ऑब्वियसली कनेक्टेड होती है, तो उसको भी मेकअप करना, उसको प्रेप करना, उसको मॉइस्चराइज करना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर ध्यान दे दोगे, अगर आपकी नेक निगलेक्ट हो जाएगी तो बहुत ही बुरी दिखती है। फिर मैंने फाउंडेशन लिया है। अब फाउंडेशन मैंने मिसक्लेयर का एवरीडे फाउंडेशन लिया है, नेचुरल वेटलेस फाउंडेशन इन द शेड सिनेमन। इसको मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी। अच्छा, ये जो फाउंडेशन है ना, ये शेड टू मीडियम कवरेज देता है। अगर आपको फुल कवरेज अच्छी लगती है देन यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ फुल कवरेज फाउंडेशन, लेकिन मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए भी क्योंकि मुझे ना अपनी स्किन के जैसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कैमराज पे पिक्चर्स पे तो आई नो थोड़ा फुल कवरेज अच्छी लगती है, बट फेस टू फेस नेचुरल फेस स्किन अच्छी लगती है। यहाँ पे लवर्स का मैं लूँगी ये स्किन लिप एंड चीक टेंट, एंड दिस इज़ इन द शेड, वैसे तो पर्पल कलर है इसका, शेड है इसका, ये है पिंक फ्रॉम इनसाइड मल्टी पॉट, यस, पिंक फ्रॉम इनसाइड, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। अच्छा, एवरी स्किन टोन को, इंडियन स्किन टोन को ये यू नो सूटेबल रहेगा, बट उसी के साथ ना, अगर आपकी डस्की स्किन टोन है ना, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस, बिकॉज दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल कलर एंड वेरी रिच एंड वेरी यू नो पिगमेंटेड। अच्छा, मैं ना इसको स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे अपनी फिंगर्स की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो। इसको एज अ ब्लश के बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ,
बिकॉज ब्लशेज जो होते हैं ना बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करते हैं, पाउडर ब्रशेज। अब मैंने लॉरियल का कंसीलर लिया है, इनफेलेबल फुल वेयर कंसीलर, और ये एक बहुत ही अच्छा हाई लाइटिंग शेड है फॉर माई स्किन टोन। एंड लेट मी सी द शेड, आई थिंक इट्स इन शेड आलमंड, एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन। अगर आप भी NC 43 to 45 के बीच में आते हो तो आपको आलमंड शेड ये वाला लगेगा लॉरियल का। और इस कंसीलर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये कंसीलर की खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी सेटल्ड नहीं होता है, सेटल ऑन नहीं होता है, इस वजह से ना आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है इसको ब्लेंड करने के लिए। यू कैन सी मैं बहुत आराम से ब्लेंड कर रही हूँ, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये ना मेरी अनड्राई एरिया के पास, जहाँ पे हमारे मोस्टली क्रीजेस पड़ जाती हैं, फाइन लाइंस होती है ना, सभी को होती है, तो उसमें ये सेटल्ड नहीं होता है। सो बस अच्छे से मेक श्योर कीजिए कि ब्लेंड कीजिए, और उसके बाद आपने ना खुद बेक करना है। यहाँ पे मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, ट्रेंड सेटिंग पाउडर फ्रॉम मार्स। इस पाउडर के साथ मैं आप देख सकते अच्छे से बेक कर रही हूँ। जब आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप आप चाहिए आपको, देन यू शुड डेफिनेटली बेक, स्पेशली अंडराइज को तो कर ही लो। उसके बाद फिर मैंने कलर बार का कॉम्पैक्ट लिया है, एंड कॉम्पैक्ट जो है इन दी शेड PF 14 है, एंड दिस शेड इज़ परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन। अगेन येस PF 14, एंड ये कलर बार का ना बहुत ही ज़्यादा वेटलेस कॉम्पैक्ट है, वेटलेस फाउंडेशन भी आता है कलर बार का, तो दोनों ही चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। एंड या इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको ना विदाउट फाउंडेशन भी ट्राई कर सकते हो उस कॉम्पैक्ट को। उसके बाद मैंने लिया है ये रेवोल्यूशन का XX रेंज ब्लश इन दी शेड विजन, एंड ये ब्लश मुझे आजकल बहुत 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 पसंद आ रहा है। ये मेरी रिसेंट परचेज है, बट यू कैन सी इसकी हालत, मैंने बहुत यूज़ किया है करवा चौथ के ऊपर, दिवाली पे, एंड मतलब जब भी मुझे ब्लश अप्लाई करना है मतलब मैं इसी को अप्लाई करती हूँ। इसमें ना हल्की सी शीन आपको मिल जाती है, गोल्डन शीन, तो आपको ना ज़्यादा हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्पेशली अगर किसी दिन आपका हाइलाइटर को स्किप करने का मन है, डेफिनेटली यू कैन स्किप विद दिस ब्लश। आपने नोटिस किया होगा मैं मोस्टली ना ऐसे ही ब्लशेस लगाती हूँ जिसके साथ मुझे हाइलाइटर थोड़ा स्किप करना पड़े, बिकॉज मेरी जो है स्किन एक्नी प्रॉन है, टेक्स्चर्ड स्किन है, तो हाइलाइटर ना समटाइम्स एग्जेजरेट कर देता है। सो यस, ये थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, आपको क्या चाहिए एंड आपको क्या छोड़ना चाहिए मेकअप में, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने ब्रॉन्जर लिया है, दिस इज़ माय करंट फेवरेट अगेन फ्रॉम रेवोल्यूशन, एंड कमांड इसमें शेड है। अच्छा, मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिंत्रा पे इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएंगे। फाउंडेशन अभी आई गेस नहीं हुआ है मिंत्रा के ऊपर, ये IRL जो फाउंडेशन है वो मैंने hawkmakeup.com से लिया था, मेकअप रेवोल्यूशन का। एंड ओके जी, उसके बाद फिर मैंने अच्छे से ब्रॉन्जअप किया है अपने फेस को, एंड पता नहीं क्यों मेरी ना कितना बैक नॉइज आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने ना ब्रॉन्जर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैंने अपने फोरहेड के ऊपर एंड चीक बोन्स के ऊपर। ये ब्रॉन्जर की खासियत ये है, आप जितना इसको अप्लाई करते हो, जितना ब्लेंड करते हो ना, ये उतना ही सीमलेस दिखता है, एंड अगेन बहुत नेचुरल दिखता है। कॉन्टोर यू कैन स्किप ऑन दैट, बट डेफिनेटली यू शुड डेफिनेटली अप्लाई अ ब्रॉन्जर, ताकि आपके फेस को वार्म्थ मिले, थोड़ी शेप मिले ना फेस को, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने छोटा ब्रश लिया है, उसके बाद फिर मैं उसको अपने नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। हाउएवर थोड़ा नोज़ मेरा ज़्यादा ही कॉन्टोर दिख रहा था, बट इसकी भी एक ट्रिक है, मैंने निकी ट्यूटोरियल से देखा था कि आप एक अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले लो, जब भी नोज़ की कॉन्टोरिंग में गड़बड़ हो जाए और डैब डैब करो, आप ठीक हो जाता है, ये गड़बड़ छुप जाती है। उसके बाद हमने लूज़ पाउडर को हटा दिया है, एंड फिर मैंने एक हाईलाइटर लिया है, ये मेरा फेवरेट हाईलाइटर है, एंड ये ना आपके टेक्सचर को एग्जेजरेट नहीं करता है। दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन का मास्टर क्रोम इन दी शेड रोज़ गोल्ड, मोल्टन रोज़ गोल्ड, ठीक है। इसके साथ क्या है, ये ना जो मेरा लहंगा है ना, ये ब्यूटीफुल पर्पल कलर का लहंगा, पर्पल ही लाइलैक कलर का, उसके बीच में जो काम है ये उसके साथ बड़े अच्छे से जा रहा था, तो मैंने बहुत हल्का सा टचअप किया है हाईलाइटर का, ठीक है। एंड अगर तो आप ब्लेस्ड हो विद गुड स्किन, डेफिनेटली भर भर के हाईलाइटर लगाओ, बट ठीक है, टेक्सचर है मेरी स्किन के ऊपर इस वजह से। और फिर मैंने अच्छे से हाईलाइटर को अप्लाई कर लिया है, उसके बाद फिर लूज़ पाउडर लेके ना मैंने थोड़ा कट किया है, और फिर से मैंने अंडर आई एरिया के पास लगा लिया है। और फिर हम लेंगे ये चारमेसी का, अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करना था, ये चारमेसी के आई शेडोज़ हैं, शिफ्टर आई शेडोज़, ये आप लोगों ने बहुत देखे होंगे इंटरनेट के ऊपर, लिटरली ये वायरल है प्रोडक्ट।
एंड बट टाइनी साइज मिलता है, बस यही मेरे को कंप्लेंट है थोड़ा सा, बट ये टोटली वर्थ बाइंग है भाई। इतनी अच्छी ब्यूटिफुल लुकिंग, लाइक वन एंड डन होते हैं ना आई शेडोज, ये बस वही है। इनसेन शिफ्टर आई शेडो है ये चार में से मिलानों का। 503 इज़ माई शेड, बहुत ही ब्यूटिफुल शेड है। एंड यू नो जब आपकी लाइट हिट करती है ना आई शेडो के ऊपर, मतलब हर बार ये डिफरेंटली आपको दिखता है, बहुत ब्यूटिफुल है। यू कैन सी शिफ्टर बहुत 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 प्यारा है। अगर आप बहुत लेजी हो, आपको आई शेडोज लगाना बहुत ही बुरा लगता है फिंगर के साथ, बस इसको अप्लाई कर लो, यू आर डन। एंड मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल लेके आईब्रोज को मैं फिल कर लूँगी। इस चामे से मिलानों के मैंने 3-4 शेड्स परचेज किए हैं, 900 अराउंड ये मिल जाता है। आई नो एक्सपेंसिव है, बट देखो सब लोगों को ना बहुत बड़ी बड़ी पैलेट्स लेनी अच्छी नहीं लगती हैं, तो बस अपने अकॉर्डिंगली आप अपना कलर चूज कर लो कौन से लेने हैं, तो यू आर सॉर्टेड। उसके बाद मैंने ब्राउ मस्कारा लिया है, ये है एसेंस का ब्राउ मस्कारा। ब्राउ मस्कारा ज़रूर से अप्लाई करो क्योंकि इसके साथ एक डिफाइंड लुक मिल जाती है आईब्रोज को। फिर मैंने काजल लिया है, काजल था मेरा रिमेल लंडन का। आप कोई भी काजल लेके बस अच्छे से अप्लाई कर लो, थोड़ा सा मैंने थिक काजल अप्लाई किया है। और फिर ब्रॉन्जर लेके ना मैंने इसको थोड़ा स्मज आउट कर लिया है। अच्छा ना वन एंड डन आई शेडोज के साथ ये होता है कि आपको ना ज़्यादा ब्रशेज की, ज़्यादा यू नो एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एफर्टलेस आई मेकअप लगता है, एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर मैंने आईब्रोज को थोड़ा क्लीन करूँगी लॉरियल के कंसीलर के साथ, सेम कंसीलर के साथ। आप ना पहले भी कर सकते हो, आई नो ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है, तो आप पहले ही क्लीन कर लेना। मैंने आपने नोटिस किया होगा आज पूरी आईलिड के ऊपर ना ही फाउंडेशन ना ही कंसीलर लगाया, बिकॉज आपकी जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं ना, या फिर आईज का जो कलर रहता है स्किन का, वो एक आई शेडो के जैसे इटसेल्फ काम करता है। दैट्स वाई आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ अपनी बॉर्डर्स को क्लीन किया है, आईब्रोज को क्लीन किया है कंसीलर की हेल्प से, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने लैश सेंसेशनल मस्कारा लिया है। ये मस्कारा मुझे पसंद नहीं था, बट अभी पता नहीं बाय द टाइम इसका फॉर्मूला थोड़ा थिक हो गया है, एंड आई एम लविंग दिस मस्कारा। ये बहुत ब्यूटिफुल मस्कारा है, एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी यू नो पुराना वाला मस्कारा। अच्छा जी अच्छा, उसके बाद हमने हाइलाइटर लेके इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लिया है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल यू नो ब्रश है, पेंसिल ब्रश है, इनर कॉर्नर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ये है रियल टेक्निक का, जो मैंने अमेजोन से लिया था ब्रश सेट, बस उसी में मेरे को मिला था। बड़े अच्छे ब्रश निकले अमेजोन से जो मैंने परचेज किए थे। अच्छा, ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद हम लिप्स को लाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लिया है, एंड इसके साथ मैं लिप्स को अच्छे से लाइन कर लूँगी। ये थोड़ा डार्क पर्पल मॉविश प्लम शेड है। लिपस्टिक के लिए आई वॉज नॉट वेरी श्योर, बट मुझे न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करनी थी बिकॉज हैवी काजल एंड यू नो थोड़ा सी पर्पलिश सी आइज़ है। ऑल दो यू कैन डू मोनोक्रोमेटिक लुक, आप पर्पल लिपस्टिक भी लगा सकते हो, बट आई वेंट फॉर दिस नायका की लिपस्टिक, सुपर मैट लिपस्टिक इन दी शेड सुपर मॉम। लेट मी सी, यस सुपर मॉम यस ऑल डी मैट। इसको ना मैं फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा स्प्रेड कर लिया मैंने, एंड इसी के साथ हमारा मेकअप हो जाता है कम्प्लीट। एंड लास्ट फिनिश काफ़ी अच्छी लग रही है मेकअप की। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैंने आईलैशेस लगाई थी मैग्नेटिक वाली जो हमें मिलती है अमेजोन से, तो उसके बैंड को एंड उसके लाइनर को थोड़ा सॉर्टेड करने के लिए ना मैंने स्विस ब्यूटी का ये पेन आईलाइनर लिया है, और इसकी हेल्प से हम आईलाइनर ड्रॉ कर लेंगे। बस उसको फिनिश किया है बेसिकली, मैंने ज़्यादा नहीं अप्लाई किया, कोई विंग नहीं ड्रॉ की है, पर जहाँ जहाँ पे बैंड है ना वहीं वहीं पे, और थोड़ा सा फिर मैंने आई शेडो को बिल्डअप किया है। अच्छा, इसके साथ ये भी कितना इजी है, आप फिंगर की हेल्प से जब आपका दिल करे थोड़ा लगा कि थोड़ा कम हो रहा है, बिल्डअप कर लो आई शेडो उसको, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक ये ना काफ़ी इजी है, वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ एंड बिगिनर फ्रेंडली, तो आई वुड से दैट्स अमेजिंग। सो यस, उसके बाद फिर मैंने ब्लश लेके थोड़ा ब्लश को भी बिल्डअप कर लिया, एंड एंड में टचअप्स होते ही हैं मेकअप के, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम अच्छे से ब्लश अप्लाई कर लिया, फिर मैं ना थोड़ा सेटिंग स्प्रे को यू नो स्प्रे करूँगी। सेटिंग स्प्रे करना बहुत ज़रूरी रहता है, बताती हूँ क्यों। पहले मैं अपने ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स पहन लूँ, और साथ साथ मैं इंटरव्यू में देख रही थी, एक पता नहीं कौन सा देख रही थी, तो मेरे एयरपॉड्स लगे हुए हैं। और यस, ब्यूटीफुल इयररिंग्स आपको ये इजीली मिल जाएंगे मिंत्रा से, अमेजोन से, नायका से,
जवेरी पर्ल्स के हैं ये, और फिर मैंने अब लिया है सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे करना कभी मत भूलना, ये आपके मेकअप को जितना लॉन्ग लास्टिंग बनाता है उसी के साथ आपको नेचुरल लुक देता है, पाउडर्स को मेल्ट कर देता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली आपका मेकअप टिका रहता है। ये NYX का मैट सेटिंग स्प्रे है एंड विद दैट आई हैव कम्प्लीटेड दिस लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आई होगी, और कोई भी लुक बिंदी के बिना अधूरी है एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को गाइज ये लुक पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा है डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड किसी भी वेडिंग ओकेजन पे जा रहे हो आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। आज के जो सभी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो बहुत ही कमाल है, आपको ईजिली मिंत्रा से मिल जाएंगे, नायका से, अमेजोन से मिल जाएंगे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।